नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दीवानी कचहरी स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम आया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए शमसुल हसन और मंत्री पद के लिए दरोगा सिंह ने विजय हासिल की। इसके साथ साथ कनिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहमंत्री सहित तमाम पदों के लिए विजयी प्रत्याशियों की घोषणा हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से अध्यक्ष शमसुल हसन और मंत्री दारोगा सिंह के विजयी होने के बाद उनके समर्थक और अधिवक्ता जोरदार विजय मुद्रा में हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर हर्षोल्लास का माहौल है। जुलूस निकालकर लोग अपने अधिवक्ताओं के बीच जाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, जो विजयी प्रत्याशी हैं। इसी तरह पूरा माहौल रहा, दिन भर मतगणना चली कड़ी सुरक्षा के बीच। इसके बाद देर शाम जो फैसला आया, जो निर्णय आया, उसके बाद मतगणना के बाद अध्यक्ष पद से शमसुल हसन और मंत्री पद के लिए दारोगा सिंह विजयी घोषित किए गए। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरी प्राथमिकता यह होगी कि मेरे अधिवक्ता भाई जो इस कचहरी कैंपस में टीन शेड में बैठ कर काम करते हैं, मैं उसके लिए ये चाहूँगा कि ये बिल्डिंग में बैठे, और उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अब बहुत छोटा कार्यकाल है, इस कार्यकाल में मैं जो हमारे नवनिर्वाचित मंत्री है उनका सहयोग लेकर के शासन से मिल करके मैं चैम्बर निर्माण के लिए प्राथमिकता दूंगा। और दूसरी प्राथमिकता, यदि मेरे अधिवक्ता भाई को कहीं भी कोई कष्ट है, किसी तरह का भी बीमारियों में भी उनके सहयोग करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए हो जाने दीजिए ना जी। महामंत्री पद पे आप विजयी हुए हैं, पहली कुछ खास प्राथमिकता बताइए जो आपके मन में पहले से था। देखिए, मन में मेरे तो यही है कि अब अधिवक्ताओं का सम्मान कोई गिरा नहीं सकता, और अधिवक्ता को केवल सम्मान चाहिए, सम्मान के अलावा अधिवक्ता को कुछ नहीं चाहिए। जी, और हमेशा देखिए, अधिवक्ता अपने लिए कुछ नहीं करता है, हमेशा दूसरे के लिए करता है। अपने टीम की झोपड़ी में बैठता है और दूसरे की बिल्डिंगों की रक्षा यहीं से करता है, किसी को इस्टे दिलाता है, किसी को मरम्मत कराने के लिए आदेश दिलाता है। तो मैं अधिवक्ता के सम्मान के लिए मैं निश्चित रूप से हमेशा लड़ूंगा, चाहे जितना भी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।